से डर नहीं लगता ऐसा आदमी शायद ही दुनिया में होगा। लेकिन डरते डरते ही हम सभी हॉरर मूवी देखना बेहद पसंद करते हैं। आज मैं आपको ऐसा 5 हॉरर मूवी के बारे में बताऊंगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी फंडे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं SBS। इस सेगमेंट में मैं आपको उन अच्छी फिल्मों के बारे में बताता हूं जो शायद ही आपने देखे हो। आज ऐसे ही 5 हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जो अकेले देखना सबकी बस की बात नहीं, और मेरी बस की बात तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। द अनइनवाइटेड, ये कहानी है आना नाम की एक लड़की की। आना की मम्मी की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है और आना को इससे गहरा सदमा पहुंचता है, जिसे बहुत दिनों तक उसे मेंटल एसाइलम में रहना पड़ता है। कहानी शुरू होती है आना की मेंटल एसाइलम से घर लौटने से। पूरी फिल्म में आपको हर वक्त ये बात सताएगा कि जिस दिन आना की माँ का एक्सीडेंट हुआ था, असलियत में उस दिन हुआ क्या था। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, उन लोगों के लिए ये फिल्म मस्ट वॉच फिल्म है। सब कुछ बताया नहीं जा सकता, पर अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे, और आखिर में आपको मिलेगा एक ट्रिपल ट्विस्ट जो आपकी दिमाग को घुमा देगा। इंसिडियस, एक फैमिली उनके नए घर में रहने आते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि उस घर पर किसी शैतानी रूह का बसेरा है। घर में आने के बाद फैमिली को एक के बाद एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रूह उस फैमिली के एक छोटा सा बच्चे पर हावी होना चाहता है। वो फैमिली घर बदल लेता है, लेकिन परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। उन्हें पता चलता है असली मसला उनका घर से नहीं बल्कि उनका बेटे से जुड़ा है। और इस फिल्म में भी आखिर में एक अच्छा ट्विस्ट है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो रात को आप अकेले ये फिल्म देख नहीं पाएंगे। द कॉन्ज्यूरिंग, ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। सन 1970 में रॉजर, उसकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने आए जो कि हैरिसविले रोड आइलैंड में स्थित था। वहां पे आने के बाद उन लोगों को पता चला कि ये जगह भूतिया है। घर में उन लोगों के साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी। जब मामला धीरे धीरे गंभीर होने लगा, तब उन लोगों ने वारेंस और उसकी बीबी से मदद लिया जो कि अपने पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए उस वक्त मशहूर थे। लेकिन इससे भी पूरी तरह काम नहीं बना। फिल्म देखते देखते आपको पता चलेगा कि इंसान को कितने तरीके से डराया जा सकता है। जो लोग हॉरर फिल्म देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये फिल्म मस्ट वॉच फिल्म है। एमिटिविल हॉरर, ये फिल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एमिटिविल नाम की एक जगह है जहां पे एक घर है जिसका एड्रेस है 112 ओशन एवेन्यू। इस घर में 13 नवंबर 1974 को एक ही फैमिली का 6 सदस्य का कत्ल बड़ी बेरहमी से उसी फैमिली का एक लड़के ने कर दी थी। जब उस लड़के को पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस लड़के ने बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा उसे उसके घर में किसी की आवाज सुनाई देता था जो उसे सबको मारने के लिए इंसिस्ट करता था। उस घर को इस इंसिडेंट के बाद एमिटिविल हॉरर कहा जाता है। बाद में और एक फैमिली वहां रहने गए, लेकिन उन लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। वो फैमिली सिर्फ 28 दिन वहां रह पाया था। इसी घटना पे आधारित है फिल्म एमिटिविल हॉरर। फिल्म देखते देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डर से आपका खून ठंडा पड़ जाएगा। एक नंबर में मैं जिस फिल्म की बात करना जा रहा हूं, उससे पहले कुछ फिल्मों के नाम बताना चाहूंगा जो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत स्कैरी भी, जैसे कि द एग्जॉस्टिस, इविल डेड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, द ग्रूज सीरीज और ऐसे बहुत सारे फिल्में। अब बात करते हैं एक नंबर फिल्म की। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक टर्किश हॉरर सीरीज है जिसका नाम है दब्बे। तुरश का यह सीरीज दब्बातुल आरद, जो कि बुरी जीनों को नियंत्रण करता है, उसको बेस करके बनाया गया है। अभी तक इसके 6 सीजन रिलीज हो चुकी है जो कि बेहद डरावनी है, और इसकी विजुअल और साउंड ट्रीटमेंट भी काफी अलग है जो कि आपको डरने में मजबूर करता है। यूट्यूब पे इसका ट्रेलर अवेलेबल है, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज कितनी डरावनी है।
दोस्तों आपको हमारा काम कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे फिल्मों के बारे में जानने के लिए, अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म और फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।